बॉटम फिल्म का पहला गाना मलजावा दो दिन पहले ही रिलीज हो चुका है। इस गाने ने अच्छे खासे व्यूज बटोरे हैं और यहाँ पर बिहाइंड द सीन भी इस गाने का रिलीज हो चुका है। तो कुछ नई चीज जो इस गाने के बारे में पता चली वो बताने की कोशिश करूंगा इस फिल्म के बारे में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू, आपसे यही कहना चाहूंगा, बॉलीवुड के इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उन करिए, जहां पर अतरंगी खबर आपके लिए हमेशा मैं लाता रहता हूँ। साथ ही आप बेल बटन आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन के बाजू में होता है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते सीधा सीधा मेरी एक दोस्त, उनका बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू जी, आपने ये अपडेट मुझे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार का ये जो गाना है ये रिवील हो चुका है और मलजावा सॉन्ग का बिहाइंड द सीन्स बहुत ही ज्यादा फनी इंटरेस्टिंग है। पूरा गाना बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे शूट हुआ है, ये आप सभी मानोगे। ऐसा लगता है वो लोकेशन पे आप भी जाना चाहते हो अपनी हमसफर अपने हमनमा के साथ। इतना बढ़िया वो लगता है, चाहे वो घोड़े पे राइड करते हुए करने वाला सीन हो, या फिर वो पब्लिक के बीच में जो नाचते हैं वाणी और अक्षय वो सीन हो, या फिर एक सीन है जहां पे एक जैसा एक दो पेड़ के बीच में झूला जैसा बनाया जाता है, उसपे लेट सकते हैं इस तरह का, है ना, तो वो सीन हो उसमें किस तरह से अक्षय कुमार और वाणी गिर जाते हैं वो बहुत ही फनी तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। और अक्षय कुमार ने कहा है कि इस गाने को अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो समझेगा, उन्हें बहुत प्यारा लगेगा ये गाना। यानी कि अक्षय कुमार की अगर बात करो उनको ये गाना बहुत ही बढ़िया लगा है और दिल के करीब लगा है। क्या आप भी अक्षय कुमार के वो डाई हार्ड फैन है, या आपको भी अक्षय कुमार के मलजावा सॉन्ग में वो फीलिंग वो प्यार वो जज्बात नजर आते हैं जो अक्षय कुमार अपनी इस फिल्म के मलजावा सॉन्ग से बताना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। क्योंकि पंजाबी फ्लेवर का गाना है तो पंजाबी जो ऑडियंस है उसे तो ये गाना पसंद आ ही रहा है, लेकिन हमारी तरह जो हिंदी ऑडियंस है हमें थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हिंदी फ्लेवर और होता तो शायद ज्यादा मजा आता। मैं डिस्टिंग्विश नहीं करता हूं क्योंकि गाने की कोई लैंग्वेज नहीं होती, गाना यूनिवर्सल होता है और कोई भी लैंग्वेज का डिस्पिसातो हो, या फिर कौन सा गाना बहुत ज्यादा चला था गंगम स्टाइल, तो कोई भी गाने का कोई फी है ना, बस चल जाता है, इसे चलना होता है। तो गाने की यही एक अच्छी बात होती है, गानों से ज्यादा किसी पे व्यूज नहीं आते यूट्यूब पर या कहीं पे भी देख लो, और शायद इसे टीसी नंबर वन चैनल है वर्ल्ड का। एनवीसी गाना सरगम पर रिलीज हुआ है, मलजावा सॉन्ग आपने नहीं सुना तो फिर से एक बार सुनिए, आपके प्यार वाले जज्बात फिर से आप जिंदा कर सकते हैं। और वाकई में कितना बढ़िया लोकेशन है, विंटेज कार के यहाँ पर जब अक्षय और वाणी का एक सीन है जब फिल्म देखते हैं तो विंटेज कार, बहुत सारी पारंपरिक गाड़ी है वहां पर, अक्षय कुमार एक कार में वाणी कपूर के साथ रोमांस करते हैं, फिल्म देखते हैं, वो बहुत ही नॉस्टैल्जिक है। बहुत लोग शायद उसे समझ ना पाए, लेकिन वो 70s-80s के दौर को ट्रिब्यूट दिया गया इस गाने के जरिए, मैं कह सकता हूँ। वैसे भी फिल्म 1980s में सेट है तो ये फील पूरा उसी टाइप का है। मुझे सबसे अच्छी पता क्या लगी इस गाने में, इसका लोकेशन और अक्षय कुमार के जो कॉस्ट्यूम है माशा अल्लाह। और हाँ, कार्स मुझे विंटेज कार्स वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, तो ये भी यहाँ पे विंटेज कार्स थी तो मुझे अच्छा लगा। तो कुल मिला के गाना बेहतर है और पंजाबी तड़का डाल के इस गाने में और भी जान डाल दी गई है मलजावा सॉन्ग। तो आपने नहीं देखा तो इसे जरूर देखिएगा, और बिहाइंड द सीन आपको कितना फनी लगा जरूर बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी अक्षय कुमार ने डाल दिया है और आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा सारे गांव वापस, जरूर बताएगा। चलिए कल कितना ही।